कैथल के हिंदू कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला का स्कूल प्रबंधन समिति ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। दरअसल दिग्विजय आज 9 दिसंबर को भिवानी में जजपा की होने वाली रैली का निमंत्रण देने पहुंचे थे। वहीं कैथल में 20 करोड़ का गेहूं सड़ने के मामले और फर्जी डिग्री लेकर सरपंच बनने के मामले पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि प्रशासन को इस तरह के मामले दबाने नहीं चाहिए और उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में है और वे मुख्यमंत्री से इस विषय पर बात करेंगे। जननायक जनता पार्टी की 9 दिसंबर को रैली है, स्थापना दिवस रैली। आप सब इस बात को जानते हैं कि JJP 9 दिसंबर 2018 में बनी थी। जो पौधा लगाया था वो वटवृक्ष का रूप धारण कर रहा है, उसको और सींचने के लिए, मजबूत करने के लिए हम सबको न्योता देने आए हैं, इन्विटेशन देने आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि कैथल जैसे हर वक्त बड़ी भागीदारी कैथल की रही है, इस बार भी सवाया कर करके यहाँ के लोग उस बड़े आयोजन में शामिल हैं। आज उप मुख्यमंत्री ने आना था सर, लेकिन हम प्रश्न आपसे ही करेंगे कि आप आगे पहुँचा देंगे। कैथल में घोटाले लगातार दबाए जा रहे हैं, पहले 20 करोड़ की गेहूं का घोटाला दबा दिया गया, अब सरपंचों की फर्जी डिग्री की मामले की जांच है। कैथल प्रशासन पूरी तरह से घोटालेबाजों के दबाने में लगा हुआ नहीं है। अगर ऐसी बात है, अगर इसके कोई तथ्य हैं, प्रमाण हैं, तो गलत है, बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए और प्रशासन को इस पर ज़रूर लगाम लगानी चाहिए। अगर कोई इस तरह की संज्ञान में हमारे आएगी, हम ज़रूर मुख्यमंत्री साहब से, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। सर, हमारा JJP के विधायक ने अपना गोला चुका जी, गोला चीका का पूरा बिजनेस पटियाला चला गया क्योंकि इतने लंबे टाइम से सड़क ही नहीं बन पा रही क्या नहीं। वो अब देखिए, उसका सिर्फ वो टेंडर प्रोसेस में मेरे हिसाब से पूरा हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, सिर्फ बनने की उसकी शुरुआत की देरी है। अब आगे वो सड़क का कार्य जल्दी शुरू हो जाए। पंचायती राज संस्थाओं की कल सभी ने शपथ ले ली है, काम प्रोग्रेस काफ़ी टाइम से रुका हुआ था, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कोविड सबसे बड़ा हैजर्ड रहा और कोविड के बाद क्योंकि टेन्योर पूरा हो गया तो वो जो काम सरपंचों ने करना था वो तो नहीं कर पाए और एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों के हाथ में कमान चली गई, तो उससे प्रोसेस स्लो हो गया। इसीलिए डेमोक्रेसी की जो वो है, कहते हैं कि इसकी चमक यही होती है कि चुने हुए नुमाइंदे जो हैं उनको हर 5 साल में लोगों के पास दोबारा जाना है, इसलिए वो ज़्यादा काम को तवज्जो देते हैं। अब ये चुने हुए नुमाइंदे आए हैं, ये काम को तवज्जो देंगे और आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो पिछले 3 साल का बैकलॉग है उसको अच्छी तरह भर पाएंगे। इनसो स्टूडेंट्स की आवाज़ हमेशा से उठाती आई है, MBBS के साथ लंबे समय पूरी तरह खुल के साथ हैं, MBBS के स्टूडेंट्स के साथ हैं, हमारा खुला समर्थन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इनसो के जो है प्रदीप देसवाल जी, उन्होंने ये बात का ऐलान पहले ही कर दिया, जहाँ किसी मोड पर भी MBBS स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि हमें उनके साथ जाकर के बैठना है या उस पूरे मुहिम में शामिल होना है, हम उसके लिए तैयार। दिग्विजय ने MBBS छात्रों के प्रदर्शन पर बोलते हुए कहा कि उनका पूरा समर्थन MBBS छात्रों के साथ है। दिग्विजय ने कहा कि जब भी MBBS के छात्र उन्हें कहेंगे तो वे उनके साथ प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।